नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। खबर संभल से है। बाहुबली डीपी यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल शिवपाल यादव के साथ चुनाव लड़ेगा। समाज के विभिन्न वर्गों को इकट्ठा करना यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का मकसद होगा। इसके अलावा दूसरे दल भी साथ हो सकते हैं। डीपी यादव लोकसभा में संभल से चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर जब माननीय शिवपाल जी ने आपसे कहा कि हम दोनों मिलकर के सारे कार्यों को अंजाम देंगे, तो निश्चित तौर से हमारे कैंडिडेट मिलजुल करके हम एक नई तस्वीर बनाना चाहते हैं, नई ताबीर पेश करना चाहते हैं, पब्लिक को जगाना चाहते हैं और एक समतामूलक समाज की रचना करना चाहते हैं। उसके तहत सबको न्याय मिले, सामाजिक न्याय ताकत में आए, ये हमारी सबकी मंशा है। इसी को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल और भी उनके दूसरे साथी सब लोग आएंगे एक साथ मिलकर के यदुकुल पुनर्जागरण मिशन इसी कार्यक्रम में लगी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर से एक डीएसपी का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। डीएसपी डिस्को बार में शराब पीते हुए और सीटी मारते नजर आए। हाथ में बोतल, बदतमीज दिल गाने पर डांस करते दिख रहे हैं डीएसपी। आपको बता दें कि विनय गौतम बुढ़ाना सर्किल के डीएसपी हैं, जो काली शर्ट में शराब की महफिल में झूमते नजर आ रहे हैं। मामला लखनऊ का है। गोमती नगर विस्तार स्थित शिप्रा अपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी की महिला अधिकारी से परेशान होकर ठेकेदार प्रशांत सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रेप के आरोप में महिला ने जेल भिजवाया था। प्रशांत ने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुमने झूठा रेप केस किया, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। 6:30 बजे के लगभग 112 के द्वारा सूचना दी गई। थाना क्षेत्र गोमती नगर विस्तार के अंतर्गत बीट 4 पड़ती है, जिसमें शिप्रा अपार्टमेंट्स हैं। वहां पे एक युवक प्रशांत विजय सिंह ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इनकी उम्र करीब 41 साल है। पुलिस मौके पे पहुंच के पुलिस ने पंचायतनामा भर के अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की है। इसमें जो एक बात सामने आई है वो ये आई है कि इसी साल मृतक के ऊपर 376 का मुकदमा थाना गाजीपुर में लिखा गया था, जहां पे ये चार्जशीट हुआ था मुकदमा। ये जेल गए थे और जमानत में वापस लौट के आए थे। जमानत से छूटने के बाद करीब 1 महीना हुआ है और ये काफी मानसिक तनाव में रहते थे इनके परिवार के मुताबिक, और शायद इसी के चलते इन्होंने ये आत्महत्या की है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश भर में श्रद्धा और भक्ति के लिए प्रतिष्ठित 51 शक्तिपीठों में से एक देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इस शक्तिपीठ में योगेश्वर गोरखनाथ द्वारा प्रज्वलित अखंड धुनी भी है। इस कारण से यह नाथ संप्रदाय की तपोस्थली भी मानी जाती है। बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बौद्ध परिपथ के नजदीक तुलसीपुर में शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी का दरबार है। भक्त का मानना है कि नवरात्र में श्रद्धालु सच्चे मन से मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ताज नगरी आगरा में पति के ना ले जाने पर एक पत्नी दुल्हन के जोड़े में ससुराल पहुंच गई। ससुराल वालों के विरोध के बाद मामला थाने पहुंचा तो कार्रवाई की डर से ससुराल वाले बैकफुट पर आ गए। कागजी कार्रवाई के बाद अब 8 दिसंबर को ससुराल वाले दुल्हन को विदा करवा कर ले जाएंगे। दरअसल दोनों ने 2 साल पहले प्रेम संबंध के बाद मंदिर में विवाह किया था। इसके बाद से लड़का लगातार लड़की के घर आता था, लेकिन जब भी लड़की विदाई कर अपने घर ले जाने को कहती तो वह बहाना बना दे रहा था, जिसके बाद लड़की के सब्र का बांध टूट गया और दुल्हन बनकर वह ससुराल जा पहुंची। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग जोड़े को गिरफ्तार किया है, जिसने कई फर्जी मैट्रिमोनियल साइट बनाकर अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया है। पकड़ा गया युवक झारखंड का रहने वाला और युवती बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन साइबर ठग बंटी बबली का खुलासा किया है। दरअसल CO सिविल लाइन अनूप कुमार ने बताया कि ये अपने आप में अनोखे तरह का फ्रॉड है। ये जोड़ा पढ़ा लिखा और बहुत ही शातिर है। इन्होंने कई हाई प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट डेवलप की और लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने अब तक 35 लोगों को 1,16,00,000 रुपए का चूना लगा दिया है। हमने मुरादाबाद के कर्नल सुरेंद्र शाही की शिकायत पर जाँच शुरू की, तब जाकर ये जोड़े पकड़े गए हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।